सबको गुड इवनिंग बोलो। एक कहानी सुनोगे ना दोस्तों? देखो मेरा दर्द आज कहानी सुनने जा रहा, पापा से सो नहीं रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, हम लोग कहानी सुना, 9:30 बज गए लगभग, कहानी सुनाने जा रहे हैं। दर्द सुनोगे कहानी? सोओगे नहीं बगैर सुने हैं? अच्छा कहानी सुन के। हाँ देखो दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा है अगर बच्चों को बुद्धिमान बनाना है तो कहानी सुनाओ, ज़्यादा बुद्धिमान बनाना है तो ज़्यादा कहानी सुनाओ। तो हम बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए कहानी सुनाने जा रहे हैं, सुनोगे? ठीक सुना। कौन सी कहानी सुना दें? घमंडी राजा। तो एक राजा था, क्या था? राजा था, उसके पास बहुत धन दौलत थी। कितनी थी? हाँ बहुत धन दौलत, बहुत बड़ा महल था, बहुत सैनिक रखता था, ठीक है। और उसके राज में रोज दो भिखारी आते थे भीख मांगने। कितने आते थे? दो भिखारी, एक जवान था और एक बूढ़ा था, ठीक है। जब राजा उनको भीख देता था तो जो बूढ़ा वाला भिखारी था वो कहता, भगवान का लाख लाख शुक्रिया है, भगवान को लाख लाख धन्यवाद, सब ऊपर वाली की देन है। और जो जवान भिखारी था वो कहता था, ये सब राजा की देन है, राजा बड़े महान हैं, ठीक है। तो वो राजा बड़ा खुश हो जाता था जब वो जवान जो भिखारी था, जो लड़का भिखारी था, युवक था, है वो जवान वाला लड़का जो भिखारी था, जब राजा की प्रशंसा करता था तो राजा बड़ा खुश हो जाता था। और जब वो बूढ़ा वाला भिखारी कहता, अरे ये सब भगवान की देन है, तो वो राजा बड़ा मतलब क्रोधित होता था, लेकिन मन में गुस्सा कर लेता था, बाहर नहीं दिखाता था कि भाई प्रजा क्या सोचेगी। तो उसने सोचा, इस बूढ़े को मैं सबक सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? सबक सिखाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक दिन कहा कि ऐसा है, तुम दोनों लोग सब जब सुबह आए वो लोग, ठीक है, भीख दिया, तो बूढ़े ने फिर वही कहा कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, सब ऊपर वाली देन है। और उस लड़के ने कहा, उस भिखारी लड़के भिखारी ने कहा, ये सब राजा की देन है। तो उस राजा ने कहा, ऐसा है, तुम दोनों लोग वो जो दूसरी वाली सड़क है उधर से जाती है, उधर से तुम लोग जाओगे, ठीक है, तुम्हारे लिए वो सड़क बनवाई गई है। तो भैया गया, और राजा ने उस सड़क पे क्या ना, एक थैली में बहुत सोने चांदी पैसे रख दिए थे। किस में रख दिए थे? हाँ, एक थैली में बांध के। किस में रख दिए थे? बांध के। और जब आगे उसको पहले भेज दिया, किसको? लड़के को, तुम आगे जाओगे, ये बुढ़ा पीछे जाएगा, ठीक है। और तो आगे आगे लड़का जा रहा था, और उसने क्या देखा कि सड़क बहुत चौड़ी है, कोई चल भी नहीं रहा है। तो उसने सोचा, इस पे तो आंखें बंद करके चला जा सकता है। और वो आंखें बंद करके जहाँ पे थैली रखी थी वहाँ पर उसने आंखें बंद कर ली और चला गया। और पीछे से बुढ़ा भिखारी आ रहा था, उसको वो थैली दिख गई, वो पा गया, वो बड़ा खुश हुआ कि देखो भगवान ने आज हमें कितना धन दौलत दे दिया, आज हमारे घर वाले अच्छा भोजन करेंगे। और वो बढ़िया बढ़िया भोजन लेके गया सबको कराया जाके। सुबह आया फिर वो दो भिखारी आ जाके वहाँ भीख मांगने, तो राजा ने भीख दी। तो उस लड़के ने फिर कहा राजा की, अरे सब राजा की देन है, हमारे राजा बड़े अच्छे हैं। और बूढ़े वाले भिखारी ने फिर कहा, सब भगवान की देन है। किसकी देन है? राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। और पूछा, कल अच्छा बताओ क्या कुछ नई बात हुई थी? उस लड़के से पूछा, कहा नहीं महाराज कोई नई बात नहीं हुई थी, हैं? और लेकिन बूढ़े ने कहा, हाँ महाराज मेरे साथ हुई थी, सब प्रभु की कृपा है, मुझे एक थैला मिला रास्ते में और उसमें बहुत पैसे थे। क्या कहा? बहुत पैसे। राजा ने अपनी सर पकड़ लिया, कुछ कहना चाहता था, बड़ा गुस्सा आया उस लड़के पे कि तू। तो लड़के ने कहा, तुमने क्या किया भाई, तुमको क्यों नहीं मिला? तो उसने कहा, मैंने महाराज आंखें बंद कर ली थी, सोचा रास्ता चौड़ी है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन कुछ कहा नहीं, मन में गुस्सा पी के रह गया। फिर कहा, अच्छा ठीक है, तुम लोग आज इधर से जाओगे, दूसरी रास्ता से बताया, आगे कहा लड़का जाएगा और ठीक है, और पीछे तुम जाओगे। ओ आग, फिर राजा ने क्या किया था, उस रास्ते में कद्दू रखवा दिया था। क्या रखवा दिया था? कद्दू को ऊपर से काटा और उसमें तमाम हीरे भर दिए। क्या भर दिए? हाँ, थोड़े हीरे उसमें डाल, तमाम ने थोड़े हीरे डाल दिए और कद्दू को अच्छे से चिपका के रास्ते में रख दिया। और जब वो लड़का आगे आगे गया, उसको कद्दू मिल गया वही रास्ते में, उसको उठा तो लिया उसने, और फिर आगे जाके एक व्यापारी को बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया, कुछ रुपये उसको मिल गए। और पीछे बूढ़ा जा रहा था, तो व्यापारी ने सोचा कद्दू क्या करेंगे, इस बूढ़े पे दे दो भिखारी को, भिखारी खा लेगा। तो उसने बूढ़े भिखारी को कद्दू दे दिया। किसको दे दिया?
और जब सुबह फिर वो दोनों मांगने गए राजा के वहाँ, राजा ने फिर पूछा कोई अच्छा बात हुआ, तो नवयुवक ने कहा, वो जो लड़का था भिखारी का, हाँ महाराज मुझको कल रास्ते में कद्दू मिल गया और मैंने कद्दू व्यापारी को बेच दिया था 10 रुपए में। कितने रुपए में? 10 रुपए। राजा बहुत गुस्सा हो गया उसके ऊपर कि ये नालायक पता नहीं कैसा है। उसके बाद बूढ़े भिखारी ने कहा, महाराज मेरे साथ बहुत अच्छी घटना हुई, मुझको एक व्यापारी ने कद्दू दिया था और जब कद्दू सब्जी बनाने के लिए काटा गया तो उसमें 10 हीरे निकले। कितने हीरे निकले? 10 हीरे। हमारा परिवार बड़ा खुश हो गया। राजा ने फिर समझ लिया और फिर उसने भिखारी ने फिर यही कहा, सब महाराज सब प्रभु की देन है, सब भगवान की देन है। अब राजा अपनी हार मान गया था, उसका घमंड टूट गया। घमंड क्या हो गया उसका? टूट गया कि सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। ठीक है, वो जो चाहेगा जिसको उसको उतना मिलेगा। हमें तो कर्म करना है, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, भगवान तुम्हें फल देता रहेगा। आप सभी को गुड नाइट बोल दो, सो जाओ। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट।